हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बीएड बेरोजगारों के संबंध से कि बीएड बेरोजगारों की जो फौज है वो बढ़ती जा रही है, घटे पद और बढ़ गई बीएड बेरोजगारों की फौज। तो जो पदों की संख्या है वह लगातार घटती जा रही है, लेकिन जो बेरोजगार हैं बीएड करने वाले उनकी फौज लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले 3.5 गुना कम हुई टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या। तो टीजीटी पीजीटी की जो अभी भर्ती निकली है लगभग वह 4,500 पदों पर ही निकली है, और एलटी की भी जो पद आने वाले हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा पद नहीं है पिछले पदों के मुकाबले। तो इस तरह से आने वाले दिनों में पदों की संख्या घटती जा रही है, लेकिन हर साल लगभग 1 लाख के आसपास करीब विद्यार्थी जो हैं वह बढ़ते जा रहे हैं बीए डिग्री धारक। तो आइए देखते हैं इसको विस्तार से कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हो या राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हर जगह शिक्षकों के पदों की संख्या घट गई है और इन पदों के दावेदार बीएड पास बेरोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ी है। नई भर्तियां भी फंसी हुई हैं और बेरोजगारों की फौज नौकरी के लिए भटक रही है। प्रदेश के शिक्षा संस्थानों में हर साल 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी बीएड की डिग्री लेकर निकलते हैं और शासकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी भर्ती 2022 के लिए लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। टीजीटी के 3,539 पदों के लिए 8.5 लाख और पीजीटी के 624 पदों के लिए लगभग 4.5 लाख आवेदन हैं। आवेदन करने वालों में तकरीबन 12.5 लाख जो है वह बीएड डिग्री धारक हैं। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से वर्ष 2021 में कुल 15,198 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें से टीजीटी के 12,603 और पीजीटी के 2,595 पद थे। कुल 11.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। टीजीटी के लिए 7.5 लाख और पीजीटी के लिए 3,98,000 आवेदन आए थे। पिछले साल के मुकाबले पदों की जो संख्या है 3.5 गुना कम हो गई है। देखिए जो पिछली भर्ती निकली थी उसके मुकाबले पदों की संख्या 3.5 गुना कम हुई है, जबकि बीएड बेरोजगारों की संख्या 1 लाख से अधिक बढ़ गई है। वहीं वर्ष 2013 के विज्ञापन में टीजीटी पीजीटी के 7,147 पदों पर भर्ती के लिए 8.5 लाख आवेदन आए थे और वर्ष 2016 में टीजीटी पीजीटी के 8,663 पदों पर भर्ती के लिए 9.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। ऐसे में वर्ष 2013 से अब तक हर भर्ती बीएड बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त को पूरी हो चुकी है, लेकिन चयन बोर्ड अब तक भर्ती परीक्षा की जो तिथि है उसकी घोषणा नहीं कर सका है। तो इस तरह से पदों की संख्या लगातार घटती हुई जा रही है। शिक्षकों के पदों पर भी भर्ती फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक के 5,418 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन जो है वह मिल चुका है। इनमें पुरुष वर्ग के 3,341 और महिला के 2,077 पद हैं। समकक्ष अर्हता परिस्थिति स्पष्ट न होने के कारण जो भर्ती है अभी फंसी हुई है और आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है, जबकि हर साल बीएड बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे पूर्व आयोग ने 2018 में एलटी ग्रेड के शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए 4.5 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। हालांकि तकरीबन 7,500 पदों पर ही भर्ती हो सकी है और बाकी खाली रह गए हैं। हिंदी विषय में अर्हता के विवाद के कारण 474 पदों पर अब तक जो भर्ती है वह फंसी हुई है। तो इस तरह से लगातार पिछले साल के मुकाबले जो टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है लगातार कम ही होता जा रहा है और बेरोजगारों की जो लंबी फौज है वह बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का इस पे किसी भी तरह का ध्यान नहीं है कि पदों की संख्या ज़्यादा है। अन्य पूर्ण अपडेट 2016 के टीजीटी कला भर्ती के संबंध में है कि टीजीटी कला भर्ती 2016 का अब जो परिणाम है वह भी बदलने वाला है। 439 कला शिक्षकों के पदों पर 2021 में रिजल्ट आया था, तो 2021 में इसका रिजल्ट 2016 के कला का जारी किया गया था। 30 नवंबर को हाईकोर्ट ने एक फैसले से मिली है राहत 30 नवंबर को हाईकोर्ट के एक फैसले से मिली है राहत और 100 साल पुराने नियम के कारण जो है यह विवाद बना था। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 16 के
2016 के कला विषय की शिक्षक भर्ती का परिणाम बदलेगा। अर्हता को लेकर 30 नवंबर को आए हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी करने और साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया है जिन्हें हाई स्कूल में चित्रकला की पढ़ाई तो की थी लेकिन कल आर्ट न होने के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 2021 इसके आधार पर टीजीटी भर्ती होती है। मैं टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए विभिन्न अर्हताओं में से एक यह भी है कि अभ्यर्थी के पास हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट होना चाहिए। हालांकि यूपी बोर्ड ने 1998 में पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए हाई स्कूल में चित्रकला विषय में ही टेक्निकल आर्ट को शामिल कर दिया था। इस लिहाज से 1998 के बाद से जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल में चित्रकला विषय लिया था वे सभी अब टीजीटी भर्ती के लिए अर्ह हो जाएंगे। टीजीटी कला के 439 पदों के लिए जुलाई 2021 में परिणाम घोषित हुआ था और परिणाम में हाई स्कूल चित्रकला पास अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और उसी पर यह 30 नवंबर को निर्णय आया है। 100 साल पुराने नियम के कारण विवाद है। एडेड कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में अर्हता को लेकर सर्वाधिक विवाद है। चयन बोर्ड इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर भर्ती करता है जबकि 100 साल पहले बने एक्ट के तमाम कोर्स वर्तमान में या तो खत्म हो चुके हैं या अपना महत्व खो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर टीजीटी कला विषय की ही भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा अब तक मान्य की बीएफए और एमएफए जैसी उच्च उपाधि ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया है। हालांकि शिक्षक भर्ती के लिए शासन स्तर से अर्हता का नए सिरे से निर्धारण किया जा रहा है। तो इस तरह से टीजीटी कला 2016 का जो परिणाम है अब वह बदलने वाला है। अगला महत्वपूर्ण अपडेट 2013 प्रधानाचार्य भर्ती संबंधित है कि डीआईएस की गड़बड़ी से ही अटके हैं 4 मंडलों के परिणाम से पूर्व सत्यापन कराया तो फिर कैसे हो गई गलती। तो यह डीआईएस के ही गड़बड़ी के कारण 4 मंडलों के जो पैनल है अभी तक जारी नहीं हो पाया है। तो ये हो गया आज का प्रमुख अपडेट। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।